जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम। मैं हूं निखिल पंगोत्रा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी दावे करती है कि हम बिजली और पानी फ्री करेंगे। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर अपने जो पाम जो हैं फैला चुकी है, और जिस तरह से इनके चर्चे चल रहे हैं, क्या लगता है कि आपको आम आदमी पार्टी जो है बिजली और पानी फ्री कर पाएगी, या फिर लोगों को ऐसी सुविधा दे पाएगी? क्या वाईफाई को आम आदमी पार्टी जो है टक्कर दे पाएगी? इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहां पर मौजूद है भारती शर्मा, जो कि हीरानगर के रहने वाले हैं और वाईफाई के सीनियर नेता भी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, जिस तरह से कुछ नेता जो हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ रहे हैं, क्या लगता है? बड़े बड़े दावे कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या ये दावे जो है पूरे कर पाएंगे? देखिए, मैं एक बात आपसे साफ करूं, जो एक आप भी देख रहे हैं बहुत शोर है, हम भी देख रहे हैं बहुत शोर है। आम आदमी पार्टी के लोग दामन थाम रखे हैं, जैसे आपने कहा, हम भी देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो। जो मैंने देखा है आज तक, मेरा भी अपना एक पॉलिटिकल कैरियर है 40 साल का, तो ये जितने भी लोग इसमें जा रहे हैं, ये बेसिक वो लोग हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, मायूस हैं, जिनको कुछ अपनी निजी स्वार्थ हैं, और फिर वो सारे के सारे MLA बनना चाहते हैं, वो लोग इस पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि लोगों का उनके साथ समर्थन है, तो ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी आप बात करेंगे आम आदमी पार्टी, मैं तो ये बात साफ कह देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के हालात पंजाब जैसे नहीं है, पंजाब के हालात दिल्ली जैसे नहीं है। यहाँ का जोग्राफिया कड़ी पोजिशन कुछ हो रहा है, पोलिटिकल पोजिशन हो रहा है, सोशली कुछ हो रहा है, रिजलेसी कुछ और है, वो चीज़ें जहाँ जम्मू कश्मीर में सब चीज़ें डिफर हैं, ठीक है। और ये जो आम आदमी पार्टी है, इसके भी तह तक हमें जाना होगा, ये कहाँ से निकली, कहाँ से आई है, इसको कौन लोग चला रखे हैं पीछे से। जब लोगों को इसकी सच्चाई का पता चलेगा, ये बात हम बताएंगे, ये बात आएगी सारी सामने कि आम आदमी पार्टी के पीछे कौन लोग बैठे हैं, कैसे लोग हैं, वो देश प्रेमी हैं या देश प्रेमी नहीं है, ये वो बात आएगी सामने, हम बताएंगे आपको जब वक्त बताएगा, एक बात। फिर वो सारे के सारे जा रहे हैं MLA बनने के लिए, जैसे मैं आप यहाँ की बात करता हूँ, अपने हीरानगर की कंस्टिट्यूंसी के अंदर बात करता हूँ, यहाँ से 8 लोग चलेंगे आम आदमी पार्टी, वो सारे दावेदार हैं MLA, टिकट मिलेगी किसी एक को, ठीक है। और जो बात आम आदमी पार्टी करती है, जो लोग कहते हैं, और उनमें अगर वो अपना तोड़ माप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग उस बात पे फिट बैठे, ठीक है ना। वो भी हमारे अपने बंधु हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारे लोग ही, हमारे भाई बहन वो लोग, लेकिन वो उस बात पे फिट नहीं बैठते। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, वो दिल से जुड़ी है, वो खून से जुड़ी हुई है, वो आज से नहीं है, सदियों से जुड़ी हुई है। और वो लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है जम्मू कश्मीर में या देश में। मैं देश की बात नहीं करता, लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में या देश में सरकार इसने बनाई हुई है,
तो ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, मैं नहीं कहता, समस्याएं होती हैं, हर सरकार में होती हैं, किसी की सरकार भी होगी। जब राम राज्य था, भगवान राम जी का राज्य था, उस समय भी लोगों की समस्याएं थी, या नहीं थी, उस समय भी थी। अगर बहुत समस्याओं का सारा हल भगवान ही निकाल सके तो हम इंसान, तुच्छ इंसान है ना, हम कितना उसका हल निकाल पाएंगे। लेकिन फिर भी लोगों को एक बात की तसल्ली है, क्या एक देश का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। आज देश जो है राष्ट्र मजबूत है, हिंदू राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र। आज आप बॉर्डर पर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, आए लोग जानते हैं कि सीज फायर हुआ है, आए लोग बहुत सुख का सांस ले रखे हैं वो। आए बॉर्डर पे आप जाएंगे, देखेंगे लोग कितने खुशहाल हैं, कितने साल से कोई फायर नहीं हुआ है, वरना लोग तो मर जाते थे मोर्चे के नीचे, जब छप छप के मरते थे, किसी का मवेशी मारा है, कोई किसी का भाई बंधु मारा है, कोई कितना नुकसान होता था। आए घर घर में सरकार ने मोर्चे बना के दिए, शौचालय बना के दे दिए, ठीक है ना। अच्छा फिर रोड्स बना के उनको दे दी। अच्छा फिर जो बॉर्डर पे हमारे रहने वाले लोग हैं उनका रिजर्वेशन दे दी 4%। पिछली सरकारों ने किसी ने दी है बताए। अच्छा सिर्फ एक बात आप लोग पकड़ लेते हैं कि बिजली पानी, बिजली पानी, बिजली पानी हम मुफ्त दे देंगे, यहाँ पैसे दे के कौन कितना खरीद रहा है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। आज मैं अपने घर की बात करूं, मैं पता नहीं 5,000 रुपये की महीने की बिजली घूमता हूं, क्या किराया देते हैं हम आप 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1200 समझता कि देता है। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, महंगाई भी है, जो आप बात कर रहे हैं मैं उस पर भी आऊँगा, मैं नहीं कहूँगा कि महंगाई नहीं हुई है, लेकिन महंगाई की भी कोई कारण है, हमें उन कारणों को भी ढूंढना होगा। अगर हमने किसान को खुशहाल करना है, किसान की आय दुगनी करनी है हमने, तो कुदरती है कि हमें किसान की जिंस का भाव जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। उसको हम प्रॉफिट देंगे तो कुदरत वो रेट बढ़ेगा। अगर किसान का वहाँ रेट बढ़ेगा तो कुदरत की बात है मार्केट में भी वो रेट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैं यही बोल रही हूँ। और लेकिन सरकार उस पर भी विचार कर रही है कि हम इसको कैसे कम करते हैं। सरकार हर 2-3 महीने के बाद बैठक करती है, मीटिंग होती है इनकी, कि कौन सी चीज़ों को हम रेट कम करना है, बढ़ाना है, टैक्स का रेट कम करना है या बढ़ाना है, किस आइटम का, ये होती रहती है हर 3 महीने के बाद, ये भी आप देखते हैं। तो फिर उसके बाद सरकार जब से जो कोरोना का आया, ये जो प्रधानमंत्री ने गरीब अन्न योजना शुरू की हमारी, 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन मिल रहा था, लोग ले रहे हैं, लोग खुश हैं, मैं नहीं कहता कि लोग कोई दुखी हैं, है ना। तो लोगों, किसान भाई है, उसके खाते में 2-2 हज़ार रुपया हर 6 महीने के बाद साल का 6,000 रुपया मिलता है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनको हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है। पहले कई सालों से लोगों को लगी नहीं थी, आज तो बड़ी मुबारक की बात है कि 31 मार्च से पहले जितने भी 5-5, 6-6 साल के इतने पीछे ने फार्म लोगों ने भरे हुए थे, सब क्लियर हो गए पेंशन लगी। आज कोई नहीं, किसी ने खुद फार्म नहीं भरा होगा वो कहेगा कि मुझे वह पेंशन नहीं लगी, वो अलग बात, वरना हर आदमी को पेंशन। बात नहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पेट्रोल के दाम जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती, इनके नेता क्यों नहीं बात करते। देखिए मैं एक बात करता हूँ, मुझे नहीं उन नेताओं का पता, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। एक पेट्रोल डीजल की बात बढ़ रहे हैं, इसका भी हमें कारण है रेट बढ़ने। अब आप देख रहे हैं ये 2 महीने हो गया, 2 महीने के लगभग यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, हम रशिया से तेल लेते थे, हम हमें लॉस हो रहा है, कुछ कंट्रीज ने वो बैंस लगा रहे हैं, उनका भी असर हो रहा है, दुनिया पे हो रहा है, हम पे हो रहा है, देश पे, तो कुछ कारण हैं। एक बात फिर, अगर हम पेट्रोल और डीजल के हम रेट बढ़ाते हैं, एक बात साफ है,
अगर वहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाती है लाती है तो उसकी सुविधाएं भी तो जनता को दी जा रही है ना। आज कोई ये तो नहीं कहेगा आज किसी गांव में आप चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, किसी रोड पर चले जाइए, आप तीन तीन तो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, गलियाँ सड़कें बन रही हैं, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? तो दरख्त तोड़ने ना होता है कि वहाँ से दरख्त से हम उतार ले गए पैसे बहुत, ये लोगों का ही एक टैक्स होता है, लोगों से ही पैसा निकालना है, जनता से हमने पैसा निकालना है। मैंने ये कहूँगा जितना जिसका बजट है, जितना जिसकी कमाई है, मेरी कमाई है 2 रुपये, लेकिन मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, आपकी कमाई है 100 रुपया रोज मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप वो 100 रुपये दे रहे हैं, मैं 2 रुपये का दे रहा हूँ, लेकिन दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स का मिसयूज नहीं हो रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे पहले जेबों में जाता था पैसा जितना इकट्ठा होता, अब इस बार ये तो एक तसल्ली है ना, छोटे लेवल पर मैं नहीं कहता, छोटे लेवल पर करप्शन है, मैं बार बार कहता हूँ करप्शन है, मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ कि करप्शन है, हमें इस पर विचार करना होगा, लेकिन आपको बड़े लेवल पर करप्शन, पहले तो बड़े लेवल पर भी करप्शन थी, दिल्ली में करप्शन हुआ, लेकिन आपको भी आपने 5-7 साल से सुना होगा, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, करप्शन में भी हमारा ही दोष है, हम लोगों को भी आगे आना होगा, करप्शन के लिए हम लोग बना रखे हैं, सरकार ने बड़े बड़े उपाय किए हुए, हम लोग खुद ही उनको सहयोग नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, हम खुद भी चंद पैसों की खातर अपने मफाद की खातर हम बोलेंगे नहीं, तो नुकसान तो हमें उठाना है। बाकी पेट्रोल के डीजल के बात है तो ये है, कोई बात नहीं ऐसी नहीं। अब जब वही कह रहे हैं अगर वो पैसा आ रहा है तो उसका अच्छा इस्तेमाल भी होगा, वो देश के लिए होगा, लोगों के लिए होगा। अगर हम बात करें हमारे युवा की, युवा की युवा हमारे लगता है कि बाईपास से परेशान है, क्यों? बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल परेशान है, मैं साफ कहूँगा। मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने उसी दिन जो हमारी लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी, हमने 3-4 मुद्दे उसमें रखे, मैंने रखे, सबसे पहला मुद्दा रखा बेरोजगार, क्योंकि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों के बगैर और कोई क्लियर ना, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ बड़ा, ना हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर, आ जाके हमारे लोगों को सरकारी नौकरियों को क्या ही जाना पड़ता है। और ये भी ठीक है, मैं साफ कहूँगा कि ये 5-7 साल से सरकारी नौकरियों में कमी रही, लेकिन अब वो सरकार नौकरियाँ निकाल रही, अब वो नौकरियाँ देगी, उसके साथ साथ तो सरकार, कोई भी सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी की, सब लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, ठीक है, तो उनके लिए हमने एक गिरिए ढूंढ रहे हैं कि इनको हम कैसे रोजगार दें, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सी स्कीमें बनाई, इंडस्ट्री आ रही है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में आ रही है, टूरिस्ट इंडस्ट्री आ रही है, फिर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, डेयरी का है, पोल्ट्री का है, फिशरी का है, ये सारे लोगों को नहीं है, फिर नौजवानों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, हमारी जो बहनें हैं उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, वो भी काम करेंगे। तो क्या लगता है, टाइम लगेगा, क्या लगता है आपको कि जो वाइन शॉप दी गई हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर कहा जाता था, अब हमारे जम्मू कश्मीर को शराबियों का शहर कहा जा रहा है, क्या लगता है आपको वाइन शॉप देने से क्या हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा? आए दिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, हमारी माताएं युवाएं सड़कों पे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मेरी बात सुन, वाइन शॉप की आपने बात की, मैं नहीं कह सकता इतनी ज़्यादा वाइन शॉप दिए थी जितनी पहले थी, उतनी ही है, मेरे ख्याल में उससे भी कम है, मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, मैं अपने इलाके ही बात करूँगा, मेरे इलाका हीरानगर में तहसील की आप सब डिवीज़न है, इसमें चुड़वाल में बात करें 2 दुकानें थी वाइन शॉप, जाला चक में 3 दुकानें थी वाइन शॉप, ठीक है, हीरानगर में 1 दुकान थी, रायपुरा में 1 थी वो भी ईरान, भगवाल में 1 थी वो भी हीरानगर के साथ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए,
अब जितने मैंने आपको जो नाम गनाए हैं रायबाग में थी, तो अब आप मुझे बताइए कि कितनी दुकानें आप खोली जिसको आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने शराब का अड्डा बना दिया। कितनी दुकानें राजबाग में है? बंद है। नहीं है। तुरवाल में है? नहीं है, बंद है। डाला चक में बंद है, दो दुकानें थी बंद है, वो भी आए। हीरा नगर में दुकान थी बंद है। तो फिर कहाँ है, कहाँ है शराब की दुकानें, मुझे आप बताइए। तो ये सिर्फ एक शोर है जो अपोजिशन के लोग होते हैं वो शोर करते हैं। और हमारा काम है कि हम उसके जवाब दें और हम जवाब दे रहे हैं। बाकी ये पहले क्यों नहीं पूछते थे, आज वो शोर कर रहे हैं। यही लोग तो शराबों की दुकानें खोलते थे, इन्हीं के पास तो थी सारी की सारी दुकानें। आप इसीलिए हैं कि आज उनके पास दुकानें नहीं रही। आज कोई भी बच्चा जब कोई भी अनएम्प्लॉयड नौजवान है जो कोई भी आदमी वो जाएगा वहाँ करेगा वो टेंडर में ले सकता है। आगे ऐसा नहीं था, जो क्रिटिकल लोग होते थे बड़े बड़े लोग होते थे वो पैसा देते थे वो दुकान का लाइसेंस। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी के आने से क्या वाईफाई को झटका लग सकता है जम्मू कश्मीर में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई है, मुझे नहीं लगता है कि ये जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को कर पाएगी। जैसे भी एक शोर है, जैसे बारिश होती है एक बुलबुला होता है, एक बुलबुला आता है फिर वो बुलबुला बैठ जाता है। तो जब लोग ग्राउंड पे जाएंगे लोग देखेंगे तो इनको भी समझ जाएंगे कि आम आदमी पार्टी क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी क्या है और इतना क्या है। भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई नहीं अब इस देश को संभाल सकता ना इसको चला सकता। अभी आप आगे आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर की और कितनी अच्छी पोजिशन होगी। ये थे हमारे साथ भारती शर्मा जी, उनका यही कहना है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी से। नमस्कार।